हेलो फ्रेंड्स, मैं इंदिरा फिर से आ गई हूँ मोनीस ट्रेंड्स के तरफ से आज एक नया वीडियो लेके। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे मैंने एक सीलिंग फैन का मेकओवर किया है बाय पेंटिंग। मैंने यहाँ पे एक्रीलिक कलर्स यूज़ की है। यहाँ पे मैंने यूज़ की है लेमन येलो, सैप ग्रीन, डीप ग्रीन, ब्लैक, रेड और वाइट भी एज अ बेस कोट। और मैंने यहाँ पे राउंड ब्रश भी यूज़ की है और मैंने यहाँ पे फ्लैट ब्रश भी यूज़ की है। आपको जो भी ठीक लगे, आपको जो भी यूज़ करने में आसानी हो, आप वही ब्रश यूज़ करना। ये मैं अभी जो कर रही हूँ, ये एक सीलिंग फैन का हेड है। उसको मैंने एक टब में बिठा लिया है क्योंकि पीछे का जो वो रॉड रहता है वो लगा हुआ था, इसीलिए इसको मैंने ऐसे टब में बैठा दिया। बिठा कर मैं इसको पेंट कर रही हूँ। बीच में मैंने येलो कलर दी है और उसके साइड से मैंने एज ए बॉर्डर मैंने यूज़ की है ब्लैक कलर। ये फ़ैन हम लोगों के पास घर में ही था, बहुत पुराना हो गया था, आइवरी कलर का था, तो इसको मैंने एक अच्छा सा मेकओवर दे दी। येलो कलर के ऊपर भी एक राउंड मैंने बनाई है। मैं कटोरी यूज़ की है राउंड बनाने के लिए। आप भी घर पे जो भी कटोरी आपका पास हो तो आप वही उसको उसके ऊपर बिठा कर आप उसका एक आउटलाइन कर लीजिएगा। बीच में मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ और एक बात, यहाँ पे हम लोगों को मास्किंग टेप भी हम लोगों को लगेगा। मास्किंग टेप यूज़ करने से एग्जैक्टली शेप अच्छी तरह से आता है, कलर इधर उधर फैलने का चांसेस नहीं होता है। तो मैं मास्किंग टेप भी यूज़ करूँगी जब मैं फ़ैन की ब्लेड्स को कलर करूँगी। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखिए। और मैंने यहाँ पे दो ठो सीलिंग फ़ैन का मेकओवर किया है। ठीक है, अभी आप लोग जो देख रहे हैं सीलिंग फ़ैन का हेड, ये दूसरा वाला है। पहले का था बीच में येलो, उसके बाद वाला बॉर्डर रेड, उसके बाद ब्लैक। अभी ये जो हो रहा है एकदम बाहर वाला ब्लैक ही है, उसका भी ब्लैक था, अंदर वाला हिस्सा रेड, एकदम अंदर वाला हिस्सा इसका येलो बना है। येलो अच्छी तरह से ब्राइटन नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने बेस कोट येलो के पहले येलो की जगह पे एक वाइट का बेस कोट लगा दिए थे। उसके ऊपर मैंने येलो कलर लगाई क्योंकि इससे कलर और निखर के आया है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग देखो। अभी हेड का साइज को मैं कलर करूंगी। इसके लिए मुझे एग्जैक्टली एकदम मेजरमेंट चाहिए, इसीलिए मैंने मास्किंग टेप लगा रही हूँ। मैं साइड में वी शेप का डिज़ाइन बनाऊंगी, इसीलिए मैं मास्किंग टेप भी वी शेप का लगा रही हूँ ताकि उसके बीच वाला हिस्सा जब मैं कलर करूंगी तो एकदम वी का शेप ले ले। ठीक है, चलिए आप लोग देखो। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बिसाइड इट, देन यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल माय न्यू वीडियोस। मैंने रेड कलर का वी बनाया है और अल्टरनेटिवली उसके बाद वाला मैं ए बनाई है, ब्लैक कलर का ए बनेगा उल्टा वी। ठीक है, उसी तरह से मैंने मास्किंग टेप को फिक्स किया था ताकि एक रेड कलर का वी बने, एक ब्लैक कलर का ए बने, ऐसे करके अल्टरनेट करके इसका डिज़ाइन मैंने बनाई है। ब्लेड्स में भी मुझे रेक्टेंगल शेप का ऐसे बॉर्डर्स की तरह डिज़ाइन चाहिए था, इसीलिए मैंने मास्किंग टेप को भी वैसे ही लगाई थी ताकि ऐसे मोटे मोटे बॉर्डर्स, कलरिंग बॉर्डर्स मैं बना सकूं। तो आप भी वैसे ही मास्किंग टेप लगा लेना, थोड़ा छोड़ के देखिए, येलो के बाद थोड़ा वाइट पोर्शन है। ठीक है,
फिर थोड़ा रेड है, ऐसे करके मास्किंग टेप को भी आपको ऐसे ही फिक्स करना होगा, ताकि दो ठो मास्किंग के टेप के बीच वाला जो जगह होगा वहीं पे आप कलर कर सको और पूरा एक बॉर्डर का डिजाइन आ जाए। वीडियो को एकदम एंड तक देखना और कमेंट करना मत भूलिएगा कि कैसे लगा आपको ये वीडियो। लाइक तो बनता ही है, आप लोग अक्सर भूल जाते हो, वीडियो देखने में ही इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि लाइक देना भूल जाते हो, तो लाइक देना मत भूलिएगा। आपके घर पे भी ऐसा कोई पुराना चीज़ हो जिसको आप एक नए लुक देना चाहते हो, तो आप ऐसे एक्रीलिक कलर्स पेंट करके आप लोग कर सकते हो। और मेरे चैनल पे आप लोग अगर देखोगे तो एक वॉल पेंटिंग भी है, अगर आपके घर में वॉल ख़राब हो गए हो, वॉल का कलर ख़राब हो गया हो किसी भी वजह से, तो आप वो पेंट भी कर सकते हो, वो भी एक्रीलिक कलर का ही पेंटिंग था, तो वो आप मेरे चैनल में जाके उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। अगर आप लोग वॉल पेंटिंग देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे वॉल पेंटिंग का जो वीडियो है उसका लिंक मैं दे दूंगी, आप लोग वहां जाके चेक कर लीजिएगा।